हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरसे अकाउंटिंग सर्विसेज। तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको जीएसटी पोर्टल से GSTR 2B डाउनलोड करना बताऊंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वेब पर सर्च करना है जीएसटी, आपको जीएसटी पर लॉगिन करना है। जैसे आप जीएसटी पर लॉगिन करोगे तो आपका जीएसटी लॉगिन जीएसटी पोर्टल आपको ऑप्शन शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो आप यहाँ पर अपना जो आपकी जो आपको जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड है आप उसको यहाँ पर एंटर कर लोगे। जो आपको यहाँ पर कैप्चर कोड दिया हुआ है आपको उस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर फिट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन पर जाओगे तो आपको यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड शो होगा, आपको रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। जैसे आपका रिटर्न डैशबोर्ड ओपन होगा तो आपको यहाँ पर फाइल रिटर्न जो है आपको यहाँ पर एक आपकी जो फाइल रिटर्न है आपको यहाँ पर शो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना जो फाइनेंशियल ईयर है आपको वो यहाँ पर आप किस फाइनेंशियल ईयर का आप GSTR 2B डाउनलोड करना चाहते हो आप वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर चूज कर लोगे। तो हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 है तो हम यहाँ पर 22-23 ले लेंगे। और जो क्वार्टरली है यानी कि आपके जो भी जनवरी हमारे जो क्वार्टरली हम जो जनवरी टू मार्च ले रहे हैं तो हम यहाँ पर क्वार्टर टू जनवरी टू मार्च ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो पीरियड है आप जिस भी पीरियड का आप GSTR 2B डाउनलोड करना चाहते हो आप वो पीरियड यहाँ पर ले लोगे। तो हमें जनवरी का करना है तो हम यहाँ पर जनवरी का ले लेंगे और देन हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर GSTR 1, GSTR 2A और GSTR 2B यहाँ पर आपको यहाँ पर शो जाएगी। तो आपको केवल GSTR 2B पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप GSTR 2B में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है आपका जनरेट जेसन फाइल, अगर आप जेसन फाइल में फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जेसन फाइल में अपने उसको GSTR 2B को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको एक्सेल फाइल में अपना जो डाटा है आपको एक्सेल फाइल में चाहिए तो आप यहाँ पर जनरेट एक्सेल फाइल कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर जनरेट एक्सेल फाइल करेंगे तो आपके यहाँ पर जो आपका जो डाटा है यहाँ पर आपको आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं जहाँ पर आप इसे किसी फोल्डर में या स्पेसिफिक फोल्डर में आपको यहाँ पर सेव करके इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे हम इसे एक्सेल जो हमने अभी डाउनलोड करा एक्सेल फाइल में हम इसे ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर अपने GSTR 2B से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे तो